सो गाइस, तो जब वीडियो स्टार्ट कर ही रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोन हमारा देख सकते हो कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन का पूरे 10,000 का लोन मैसेज अभी यहाँ पे आ चुका है, जो अभी आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों, सबसे मजे की बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते टाइम बस अपने पैन का आधार कार्ड डिटेल दिया और मैंने इस लोन एप्लीकेशन के अंदर KYC कम्प्लीट किया हूँ और मुझे यहाँ पे बता दिया गया कि मैं इस लोन एप्लीकेशन के अंदर पूरे 10,000 का लोन लेके एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसी लोन एप्लीकेशन के तलाश में थे जहां से आपको पैन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करके लोन मिल जाए, तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो लोन दिया जाएगा उसको कुछ ही मिनट्स के अंदर में ही अपने बैंक अकाउंट में भी कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं दिए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे मैं आपको वीडियो के बीच में किसी भी टाइम बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। और जैसा आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट लैंग्वेज, यानी दोस्तों अब यहाँ से आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे वो काफी सारा लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों अब आपको इस लोन एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा। तो परमिशन देने के नीचे आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक करके इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर दोस्तों, नीचे आप एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ था एक्सेप्ट एंड अलाउ, तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट एंड अलाउ वाले ऑप्शन क्लिक करके इस एप्लीकेशन को एक एक करके यहाँ से लगातार परमिशन दे देना है। और जैसे ही यहाँ से लगातार परमिशन दे दोगे, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मोबाइल नंबर, तो आपको इस बॉक्स में अपना 3 डिजिट मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। लेकिन दोस्तों, मोबाइल नंबर इंटर करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा सेम वही मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे प्रोसीड का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे यहाँ से प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जो भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराओगे उसी मोबाइल नंबर पर इस लोन एप्लीकेशन द्वारा एक OTP आएगा, तो OTP इंटर करके वहां से आपको वेरीफाई OTP ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से अपना OTP इंटर करके वहां से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों अब यहां से आप इस लोन एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ जाओगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां से आपको पर्सनल लोन लेने के लिए उसके ठीक नीचे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। फिर नीचे प्रोसीड का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहां से आपको प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर लेना। प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक करते दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है फर्स्ट नेम, तो यहां अपना फर्स्ट नेम इंटर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर लास्ट नेम इंटर कर देना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको वही इंटर करना है जो आपके पैन कार्ड में होगा। फिर नीचे देखने को मिल जाएगा इंटर रेफर कोड, तो दोस्तों ये ऑप्शन इसको आपको छोड़ देना है। फिर नीचे वो कंटिन्यू का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इंप्लॉयमेंट टाइप, तो यहाँ से अपना इंप्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। क्या इंप्लॉयमेंट टाइप क्या है? जैसे दोस्तों, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक सैलरीड पर्सन देखने को मिल जाएगा और एक आपको सेल्फ एम्प्लॉयड देखने को मिल जाएगा। तो आपके इंप्लॉयमेंट टाइप का जो भी टाइप होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों, यहां से अपने कंपनी का नाम इंटर करके नीचे वो कंटिन्यू का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहां से आपको फिर से कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे यहां से आप कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर यहां पे आपको देखने को मिल जाता है पैन डिटेल्स, यानी दोस्तों अब यहां से आपको इस लोन एप्लीकेशन का अपने पैन कार्ड डिटेल्स इंटर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे ऊपर यहां पे आपको देखने को मिल जाता है डेट ऑफ बर्थ, तो यहां से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? जो आपके पैन कार्ड में होगा सेम वही डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लीजिएगा। फिर यहां पे देखने को मिल जाएगा पैन नंबर, तो आपको इस बॉक्स में अपने पैन कार्ड 10 डिजिट का नंबर इंटर करके नीचे वो कंटिन्यू का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक करके अपने पैन कार्ड को यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कर लोगे, फिर यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा इंटरव्यू आधार कार्ड नंबर, तो यानी दोस्तों अब यहाँ से आपको अपने आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। तो आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए नीचे वो 3 बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पे अपने आधार कार्ड 12 डिजिट आपको नंबर इंटर करके उसके ठीक नीचे नेक्स्ट का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल
मोबाइल नंबर से लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पर इस लोन एप्लीकेशन का एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी इंटर करके यहाँ से अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लीजिएगा। और आधार कार्ड वेरीफाई करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा इंटर 6 डिजिट डिजी लॉकर पिन। तो दोस्तों आपको इस बॉक्स में अपना डिजी लॉकर 6 डिजिट पिन इंटर कर देना है। लेकिन दोस्तों जिस लोगों ने यहाँ से डिजी लॉकर पिन कभी भी नहीं बनाया तो वहाँ से फॉरगेट वाले ऑप्शन क्लिक करके नया पिन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो यहाँ से अपने डिजी लॉकर पिन भूल चुके हैं वो भी फॉरगेट पिन वाले ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से अपना पिन यहाँ से फॉरगेट कर सकते हो। फिर दोस्तों नीचे डन का जो ऑप्शन देखने मिलेगा तो यहाँ से आपको डन वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे वहां से अपने डिजी लॉकर पिन इंटर कर लोगे फिर दोस्तों आपका सभी डिटेल्स यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो अपना डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने जिसका भी जो भी आंसर दिया है सब डिटेल सही है गलत है। फिर यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा गेट योर ईमेल। तो यहाँ पे आप जैसे गेट योर ईमेल वाला ऑप्शन क्लिक करोगे आपके फोन में जितना भी ईमेल होगा यहाँ से अपना कोई सा ईमेल आईडी सेलेक्ट करके नीचे आपको अलाउ का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको अलाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और अलाउ वाले ऑप्शन क्लिक करते दोस्तों ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सैलरी डिटेल्स, यानी कि दोस्तों अब यहाँ से आपको अपना सैलरी का कुछ डिटेल्स इंटर करना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंटरव्यू मंथली इनकम, यानी दोस्तों आप एक महीना में कितना कमा ले तो वह इंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने को मिल जाएगा टाइप ऑफ रेजिडेंट, यानी दोस्तों आप जिस घर में रहते हो आपका खुद का घर या रेंट पे है तो वह इंटर कर लीजिएगा। फिर टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे कंटिन्यू का जो आइकन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अपलोड सेल्फी, यानी कि दोस्तों अब यहाँ से आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर एक सेल्फी अपलोड करना होगा। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए नीचे एक ऑप्शन खुल गया जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है गिव परमिशन फॉर कैमरा। जैसे ही यहाँ से आप गिव परमिशन फॉर कैमरा वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे आपके मोबाइल कैसे कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अपना एक सेल्फी क्लिक करके वहां से आपको सबमिट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन क्लिक करके इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अपना एक सेल्फी यहाँ से अपलोड कर लेना है। सो गाइस तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अपना सेल्फी क्लिक करके यहाँ से अपने सेल्फी को अपलोड कर लिया, फिर मेरे लिए यहाँ पे लोन ऑफर आ चुका है कि हम इस लोन एप्लीकेशन के अंदर पूरे 10,000 का लोन एलिजिबल है जो अभी आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको जितना भी लोन ऑफर करेगा वो आप देख लीजिएगा। अगर आप इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में लेना है तो इन दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे एक्सेप्ट ऑफर का जो आइकन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट ऑफर वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और एक्सेप्ट ऑफर वाले ऑप्शन क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब यहाँ से आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन लेने के लिए सबसे पहले यहाँ से अपना नॉमिनी डिटेल्स इंटर करना पड़ेगा, फिर यहाँ से अपना एड्रेस इंटर करना पड़ेगा, फिर दोस्तों बैंक डिटेल्स यहाँ पे देना है कि आप कौन से बैंक अकाउंट में अपना पैसा लेना चाहते हो, फिर दोस्तों सेटअप ऑटो पे कंप्लीट करके आसानी से यहाँ से लोन ले सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एड नॉमिनी डिटेल्स, तो यहाँ से आपको एड नॉमिनी डिटेल्स वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप एड नॉमिनी डिटेल्स वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आप जिसको भी नॉमिनी रखना चाहते हो उनका फुल नेम यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा, फिर उनका मोबाइल नंबर इंटर करके फिर दोस्तों आपके नॉमिनी यहाँ पे आपको रिलेशनशिप में लगते क्या, जैसे आपके मदर लगते या सिस्टर लगते या फादर लगते हैं जो भी लगते हैं वो इंटर करके नीचे एड नॉमिनी वाले ऑप्शन क्लिक करके अपना नॉमिनी यहाँ से एड कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एड एड्रेस, यानी दोस्तों अब यहाँ से आपको अपना करेंट एड्रेस इंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना एड्रेस लाइन 1 इंटर कर लीजिएगा, फिर एड्रेस लाइन 2 इंटर करके अपने एरिया पिन को इंटर कर लीजिएगा, फिर यहाँ अपने सिटी का नाम इंटर करके स्टेट इंटर करके नीचे सेव एड्रेस का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको सेव एड्रेस वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और सेव एड्रेस वाले ऑप्शन क्लिक करके दोस्तों ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बैंक डिटेल्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक डिटेल्स के ठीक नीचे यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ से आपको सेविंग अकाउंट डिटेल्स इंटर करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अगर आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है तो यहाँ से आपको सेविंग अकाउंट डिटेल्स इंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से अपने बैंक अकाउंट का आईएफएससी को इंटर करके बैंक का नाम इंटर कर लेना है कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में, फिर दोस्तों अकाउंट नंबर इंटर कर लीजिएगा, फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर इंटर करके नीचे कंटिन्यू का जो आइकन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब यहाँ से आपको इस लोन एप्लीकेशन का अपना सेटअप ऑटो पे कंप्लीट करना है। तो सेटअप ऑटो पे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको 2 मेथड देखने को मिल जाता है, एक आप बैंकिंग से कर सकते हो और सेकंड दोस्तों आप किसी भी यूपीआई से कर सकते हो। तो दोस्तों आपके पास जो भी चीज का सुविधा होगा वह सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ अपना सेटअप ऑटो पे कंप्लीट कर लिया फिर मेरे लिए यहाँ पे लोन ऑफर फिर से यहाँ पे आ चुका है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस समय मुझे 10,000 का लोन ऑफर बताया जा रहा था, यानी दोस्तों मैक्स क्रेडिट एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हो 10,000 लोन अमाउंट बताया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अभी हम करेंट में यहाँ पे 4250 का लोन ले सकते हैं जो अभी आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों मेरा जो मंथली कन्वर्सी फीस जो यहाँ पे लगाया जा रहा है 590 रुपये लगाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम लॉगिंग फीस जो यहाँ पे लगेगा प्लस GST 100 रुपये लगाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो 4250 का लोन होगा यह मुझे 3 महीने के लिए दिया जाएगा, एक्सपायरिंग डेट कब जाएगा, कब मुझे यहाँ पे लोन मतलब रिपेमेंट करना सभी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से लोन लेना है तो नीचे प्रोसीड का जो आइकन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको प्रोसीड वाले आइकन
आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपको जितना भी लोन ऑफर किया जाएगा उतना लोन हमारा देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप देख सकते हो अवेलेबल लिमिट यहाँ पे 4250 का बताया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको जितना भी लोन ऑफर किया गया उस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो तो नीचे आपको विड्रॉल नाउ का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ से विड्रॉल नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों वहां से अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है कि आपको जितना भी लोन ऑफर किया गया पूरा लोन अमाउंट लेना चाहते हो उससे कम लोन अमाउंट लेना चाहते हो फिर दोस्तों वहां से अपना टेन ओवर सेलेक्ट करके जैसे वहां से विड्रॉल वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर में आपने जो भी अकाउंट डिटेल्स दिया है उसी अकाउंट में इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों आप भी कुछ सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया कि आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो लोन ऑफर किया जाएगा उसको सीधा अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब ये भी बता देता हूँ कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन का नाम है फटाक पे। तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर सर्च करना है फटाक पे और ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जाइए इस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई करने और हो सकता है किसी भी कारणवश गैप का लोन रिजेक्ट हो जाता है या अगर आपको लोन ऑफर नहीं किया जाता है तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों मैंने आप सभी लोगों के लिए फिफ्ट लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाया है जिसका लिंक मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सच में स्टैंड पर्सनल लोन लेना है तो आप उन फिफ्ट लोन एप्लीकेशन के अंदर भी जाकर विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस गाइज आज की वीडियो इतना का, जरूर भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।